हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको वो कूलर बनाना सिखाऊंगा, वो भी ट्रांसपेरेंट। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देख सकते हैं मेरे पास एक तो पीवीसी बोर्ड है। इस तरह से आपको इसको 8.5 इंची काट लेना है और लंबाई 1 फिट रहेगा। इसको इस तरह से काटने के बाद आपको चाकू की मदद से इस तरह से 4 पीस काट लेना है। आपको देखिए, इस तरह से मैंने 4 पीस इसको काट लिया हूँ। आपको इस तरह काटना और एक ले लेना है इसको, गोल करके आपको काट लेना है इस तरह से। इसके बाद आपको ये लेना है इसका पीछे का, तो आपको अपने साइज से 4 कोने काट लेना है। इसको इस तरह से आपको 7-8 पत्ती लेना है इस तरह से। इसके ऊपर का फ्रेम बना, तो इस तरह से आपको इसका पीछे काट लेना है। इस तरह से आपको इसका पूरा स्क्वायर बना के लाइट कर देना है। आपको इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से बनाने के बाद आपको इसके ऊपर का इस तरह से आपको इसका नापी का आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। इस तरह से इस तरह से आपको देख सकते हैं, इसका पीछे का ये इस तरह से बनाना है और ये इसको कटिंग कर देना है इस तरह से। ये आपको 4 पीस लेना है सर, लगभग 3 इंची का। इस तरह से आपको इसके चारों ऊपर से बैठा देना है। इस तरह से मैंने इसको बड़ा काट लिया। इस तरह दोनों आपको इसको चटका देना ताकि पानी दिखे ना। देख सकते हो ये दोनों आपको मोटर इस तरह फिक्स हो गया है। आपको स्विच लगा देना है इस तरह से। इसको 3 स्विच रहेगा आपका। इस तरह से आपको होल्ड करना है। मोटर का हो गया, पंप का हो गया, मोटर का मोटर हो गया, इसका तीनों कनेक्शन हो गया इस तरह से। देख सकते हैं ये कम्प्लीट हो गया इस तरह से। आपको LED लाइट के लिए लगा लेना है। जिस तरह से मैं इसको लगा दिया हूँ, कनेक्शन कर देना आपको इस तरह से। ये पीछे का आपको इसको पैकिंग करके आपको इसमें थोड़ा सा खर्च से भर लेना है घास। देखिए इस तरह से मैं इसको भर दिया हूँ। देख सकते हैं इस तरह से भरने के बाद आप इसको इस तरह से टाइट कर देना है। इसको आपको टाइट करने के बाद इस तरह से आपको इसको ऊपर भी फिक्स कर देना है इस तरह से। देखिए पीछे आपको पानी डालना है और देख सकते हैं पानी मैंने डाल दिया इसमें और ये आपका लीकेज भी नहीं है किसी तरह से। ये आपका बढ़िया काम करेगा। देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट हो गया ये। मैं आपको इसको बैटरी की मदद से और लाइन की मदद से चलाना सिखाऊंगा। तो देख सकते हैं मैं इसको आपको चला के दिखा दे रहा हूँ। डायरेक्ट लाइन से भी आप इसको डायरेक्ट चला सकते हैं इस तरह से। और आपको स्विच दिया हुआ है, आपको बैटरी से इसको चला सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर दिया हूँ। काफ़ी बढ़िया हवा दे रहा है ये इसमें, देख सकते हैं। इस तरह से आप आसान तरीके से एकदम घर में इस तरह से ट्रांसपेरेंट कलर का बना सकते हैं। खूबसूरत भी रहेगा और आपका बढ़िया भी मस्त लगेगा। आपको देख सकते हैं पानी भी आपको इसमें आ रहा है पूरा बढ़िया से। देख सकते हैं इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है पूरा। देख सकते हैं मैं इसको आपको दिखा दिया हूँ थोड़ा सैंपल भी। काफ़ी अच्छा आवाज़ है। थोड़ा आपको बैटरी पावरफुल का और लेना है ताकि आपका और मोटर इसको देख सकते हैं। आपको 12 वोल्ट का लगभग बैटरी ले लेना है ताकि आपका और स्पीड चले। मैं तो 6 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए स्पीड कम है थोड़ा, अभी चार्ज कम है मेरा। देखिए इस तरह से आपको इसको लगाना है। इसका चार्जिंग भी होगा, चार्जिंग किट भी बन गया है आपका। इस तरह से आप लगा के इसको चला सकते हैं। आप लगभग 12 वोल्ट तक लाइन से भी आप चला सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको लाइट भी इसमें जलता है। या आप मेरा में इस तरह से छोटा लाइट लगा सकते हैं, ज़्यादा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा लगाइए आप, काफ़ी बढ़िया रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।